आज हम 12 कली वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। कपड़ा 4 मीटर और 4 तह में फोल्ड करके बिछा लिया है। लंबाई 42 इंच, कमर 40 और 12 कली है। 12 कली को कमर को 12 से भाग देंगे तो 3.3 इंच, और उसमें एक ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन 4.3 इंच। और कपड़े नीचे की बॉटम है 13.5 इंच। दोनों निशान मिला लें। निशान के ऊपर काट देंगे। ये दोनों उरेब पट्टी है, उरेब में कटिंग हुआ है। उरेब के ऊपर उरेब को रख के ऐसे रख रख के सभी कलियों को काट लेंगे। सारी कली कटिंग हो गई है, अब इसको सिलेंगे। नीचे वाली उरेब है, ऊपर वाली सीधी है। एक उरेब एक सीधी, दोनों रख के सिल लें।
छह कली सिल दिए हैं, ऐसे रख रख के सारी कलियों को सिल लेंगे। मैंने सारी कली सिल ली है और इंटरलॉक भी कर लिया है। अब इसमें अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर मैंने अम्ब्रेला काटा है और उसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। मैं यहाँ पे चेन अटैच करूँगी 6.5 इंच छोड़ के, नीचे सिलाई लगानी है। यहाँ से अस्तर और लहंगे को अलग अलग सी लेंगे। अब ये लहंगे वाले कपड़े में सिलाई लगा दी। अब अस्तर वाले को अलग से सिल लेंगे। लहंगे को अंदर की तरफ कर दें। यहाँ पे चैन लगाऊंगी, उसके लिए एक पट्टी लेके उसको सिल लें। इसके किनारे पे सिलाई लगा लें।
उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। दूसरी तरफ आधा इंच का मार्जिन देके इस पे से चैन लगेगी। ये निशान है, यहाँ पे चैन आएगी। इसको चैन पे ऐसे रख के सिंगल फुट की मदद से इसको सिल दें। चैन के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना चैन बंद नहीं होगी। चैन को बंद करके और इसको इसके ऊपर रखे कपड़े को, इस साइड वाले को दिखेगी नहीं बिल्कुल भी चैन। ऐसे चैन लगाने से पता नहीं चलता यहाँ चैन लगी हुई है। अब यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट पे अस्तर लगा के अटैच कर लिया है। 40 की कमर तैयार है, तो ये डबल में 20, 40 इंच। सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे।
अब इसको फोल्ड कर देंगे। मैंने 2 इंच की बेल्ट तैयार रखी है ऊपर। बेल्ट को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है, चुन्नट नहीं आनी चाहिए इसमें। इसमें एक सिलाई और लगाएंगे, जो अंदर कपड़े का मार्जिन गया है वो अच्छे से दब जाएगा, उसके धागे नहीं निकलेंगे। अब नीचे के घेरा फोल्ड करने के लिए बुकरम कटिंग करेंगे। लहंगे को रख के इसकी गोलाई में निशान लगा के फिर बुकरम कटिंग करेंगे। तीन तीन इंच की पट्टी कटिंग करूँगी, ऐसे रख रख के पूरी बुकरम पे निशान लगा लें।
ऐसे रख के जितनी पट्टी की ज़रूरत है उतनी काट लेंगे। मेरे को 3 पट्टी की ज़रूरत है तो दो और कटिंग करूँगी। प्रेस की सहायता से पानी लगा के इसको चिपका ले। ऐसे सभी पट्टियों को चिपका लेंगे। ये 5 इंच चौड़ा उरेब में कटा हुआ कपड़ा लिया अस्तर वाला, इसके ऊपर बुकरम अटैच कर लेंगे। अब इसको लहंगे के घेरे में अटैच करेंगे। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं। पूरे घेरे में ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए। बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करके बाहर की तरफ से सिलाई लगानी। हाथ से देख देख कर जहाँ पे बुकरम आ रही है उसके किनारे पे सिलाई लगा ले। बाहर की तरफ से सिलाई लगाने से एक भी चुन्नट नहीं आएगी। अगर उल्टी तरफ से लगाओगे तो बाहर चुन्नट महसूस होंगी। घेरा अच्छे से फोल्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।